नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सचिन गोयल, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एंड बॉडी पॉस्चर स्पेशलिस्ट। क्या आप जब भी अपने जोड़ों को मूव करते हैं उसके अंदर से कट कट की आवाज़ आती है? क्या आप अपनी उंगलियों को आराम से चटका सकते हैं, जिसको हम चटकाना बोलते हैं, या अपनी गर्दन को आप हिलाते हैं तो उसमें से कट कट की आवाज़ें आती हैं? ऐसा क्यों होता है? कई बार लोगों को लगता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे अंदर जोड़ों में से आवाज़ें आने लगी हैं। क्या ये सचमुच में कोई प्रॉब्लम है? देखिए, मेडिकल लैंग्वेज में इस जोड़ों के अंदर से आवाज़ आने को बोलते हैं क्रैपिटस। अब ये दो तरीके से हो सकती हैं, या तो किसी प्रॉब्लम की वजह से है या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं है। अमूमन ये किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं होती, लेकिन ये होती क्यों है? तब भी जब भी हम लोग मूव करते हैं तो जोड़ों की हड्डियाँ भी आपस में मूव करती हैं। अब ये जोड़ों की हड्डियाँ जब आपस में मूव करती हैं तो वहाँ पर एयर बबल्स के बर्स्ट होने की वजह से ये आवाज़ें आती हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस में ये प्रॉब्लम्स की वजह से भी होती है। एक एज के बाद जब हमारे जोड़ों की जो लाइनिंग है, जो प्रोटेक्ट करके रखती है जोड़ों को, जब वो धीरे धीरे घिसने लग जाती है, उसके बाद एक स्टेज ऐसी आती है जब जोड़ों की जो हड्डियाँ हैं वो आपस में रगड़ खाने लगती हैं। इस रगड़ खाने की वजह से एक ये क्रैपिटस साउंड, या जिसको पॉपिंग साउंड, क्रैकलिंग साउंड भी बोलते हैं, ये प्रोड्यूस होता है। अब आपको करना क्या है? अगर आपकी ये जो क्रैपिटस वाली जो चीज़ है, ये पॉपिंग साउंड या क्रैकलिंग साउंड जो है, अगर ये आपके अर्ली एजेस के अंदर में आ रहा है तो समझ लीजिए कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। जनरली हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं, जो जोड़ों को आपस में बांध के रखते हैं, कई बार उनकी लैक्सिटी यानी उनकी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से भी ये आवाज़ आती है। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है उसके बाद ये अगर आपको आवाज़ इस तरीके की आती है तो जनरली उसका कारण होता है कि वहाँ पर अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, जो कि धीरे धीरे जोड़ों के अंदर से इस तरीके का साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि अपनी एज के हिसाब से इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है, क्या आपको जोड़ों के अंदर सचमुच में प्रॉब्लम है या नहीं। इसके लिए आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट की भी हेल्प ले सकते हैं, जो कि आपको बता सकते हैं कि सचमुच में आपके जोड़ों के अंदर दिक्कत है या नहीं है। अगर आपके जोड़ों के अंदर दिक्कत है तो डेफिनेटली उसका एक ट्रीटमेंट चाहिए, उसका एक इलाज चाहिए। लेकिन जनरली अगर आपको किसी भी तरीके का पेन नहीं है, जोड़ों में कोई सूजन नहीं है, या चलने फिरने में या जोड़ों को मूव करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस क्रैपिटस साउंड को, इस पॉपिंग साउंड को इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको लगे कि कुछ दिक्कत इसके साथ साथ में आ रही है, आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। इस प्रॉब्लम को तुरंत अपने थेरेपिस्ट से ज़रूर संपर्क करें। मैं ऐसे ही और प्रॉब्लम्स के साथ आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई ऐसी ही प्रॉब्लम है जो आप चाहते हैं कि मुझसे आप संपर्क करें, मुझसे आप डिस्कस करें या शेयर करें, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर इस ईमेल आईडी पर मुझे मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।